कौन सा गा रहे हैं? दिल के अरमा आंसू में बह गए गाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात। आदिया, आपके लिए भी हमने एक सरप्राइज सोच के रखा है। तो दोस्तों, अब इस मंच पे आ रही है वो जिन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से 80s के दौर में हर दिल पे राज किया। क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें ग्लोरी ऑफ म्यूजिक का खिताब दिया था। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल फिल्म फेयर अवार्ड विनर सिंगर एक्टर सलमा आगा जी। रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है, कि तुमको आज क्या हुआ है, कि झूमता ही जा रहा है, झूम 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 बाबा। सलमा जी के लिए एवरीवन जोरदार तालियां। बहुत वाह 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 वाह, हमारी तरफ से सबको ही बहुत मोहब्बत भरा आदाब, और एक आदाब वहाँ बहुत खास, वो पुराना आदाब है, अब भी आदाब है। मुझको नमस्ते ही कर लो, मैं तो देख के सरप्राइज हो रहा हूँ। हमें अपने हीरो से मिलवाया आज इतने सालों के बाद। तो ये दूरी हमको अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं, हम लोग मिलते हैं। सॉरी। देखना जरा, सीढ़ियां हैं, वहां से उतरने में दिक्कत होगी। नहीं, सीढ़ियों में हमें दिक्कत नहीं होगी, आप कहिए, मुड़ के आपके पास आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एंड यू ऑफ कोर्स द स्टार ऑफ द शो आदिया मिश्रा, लवली यूनिक वॉइस यू हैव, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, आई एम सो ऑनर्ड कि मैं आपसे ये सुन रही हूँ, इट मीन्स अ लॉट। और आज मैं आप ही का गाना गाने जा रही हूँ, दिल के अरमा आंसू में बह गए। हम खास तौर पे आपका गाना सुनने आए हैं। थैंक यू। सर, आपकी जो मूवी है निकाह, उसका एक बहुत फेमस शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज वो शेर हम सबके लिए एक बार बोलिए। वो मैं बोलूं, लेकिन सूखा शेर नहीं बोलूंगा, सूखे फूल के साथ बोलूंगा। सूखे फूल के साथ, वाह वाह वाह। अर्ज किया है। आए, आए, अरे आए, आप तो बोल दो इरशाद। आपने कभी कहा ही नहीं कि आपका नाम इरशाद है, तो हम कैसे कहे। माशाल्लाह, ये सलमा जिनका नाम कहां से पड़ गया। अब के हम बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये लो किताबों में। वाह वाह। Oh,
जी खामोश हो गई। ऐसा होता है, वो चीजें जो दिल पे असर कर जाएं, वो खामोश कर देती हैं। प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह। आज इस गीत की गायिका भी बैठी हैं और गीत की नायिका भी बैठी हैं। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इनको अपनी परफॉर्मेंस याद आ गई होगी कि ये दर्द वाकई इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया था जो आज आपने आवाज में भी दिखाया। शायद आखरी हो, कैसे तुम। थैंक यू सो मच। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। अगला तो दो लाइन आप अगर गा देंगे इस गाने को। प्लीज प्लीज गाएं हम आपकी फिल्म का गाना। आप गाएंगी तो अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे जो लगे उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बहुत फर्क पड़ता है, आपको नहीं पता। दोस्तों 100 इयर्स ऑफ मुकेश जी में प्रेजेंटिंग पिकुली के पुजारी आशिकाग्यकारी दिलबर दीपक। तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना। जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया। वाह
ख्याल आता है। सर अभी जो गाना मैं गाने जा रहा हूँ, प्लीज़ क्या सर आप मुकेश जी का पार्ट गाएंगे और मैं लता जी का पार्ट गाने वाला हूँ। मैं गाने वाला हूँ सावन का महीना। अच्छा, वाह वाह वाह। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे मोर। रामा गजब ढाए ये पुर वैया, नैया संभालो कित खोए हो कि वैया। रामा गजब ढाए ये पुर वैया, नैया संभालो कित खोए हो कि वैया। ओए पुर वैया के आगे चले ना कोई चोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे मोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे मोर। रोमांस था वो तुम्हारी आवाज़ में मैं महसूस करता हूँ। बहुत बड़े प्रेमी हो। मुकेश जी ऐसे ही थे। मेरे माँ और पापा का लव मैरिज हुआ था। माँ मेरी गुजरात की थी, बड़ौदा की थी, और पापा दिल्ली के कायस्थ माथुर। दोनों परिवारों में बहुत विरोध था कि ये शादी नहीं हो सकती। माँ पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मगर मुकेश जी 10th फेल थे। मुकेश जी ने माँ को आज्ञा दी कि मुझे शादी करनी है तुमसे भाग करके तो तुम फेल होना। तो माँ अपने मैथमेटिक्स का पेपर ब्लैंक छोड़ के आई और वो साल फेल हो गई। तो वो भी आज्ञाकारी। मैं चाहता हूँ कि एक गिफ्ट तुम्हें दूँ मुकेश जी की, जो तुम जब पिकुली के साथ डेट पर जाओ तब तुम ये पहन के जाना। सावन का महीना पवन करे सो। बरसों से मैंने ये सेव करके रखा था, पापा की याद है। ये टाई तुम्हें देते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।